चलो बच्चों तो आज हम लोग रिवीजन में मैथ्स का सेकंड चैप्टर देखें जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के अगर एग्जाम वाइज में बात करूँ ना तो एग्जाम में इस चैप्टर में से टोटल नाइन मार्क्स का पूछा जाता है पेपर में कि जिसमें थ्री थ्री मार्क के दो सम्स आते हैं थ्री मार्क के दो सम्स आते हैं आपके सेक्शन सी में सेक्शन बी में दो मार्क का एक सम आता है और एक सेक्शन ए में कोई एक ऑब्जेक्टिव आता है बरबर ना तो टोटल ये नाइन मार्क्स हुआ है आपके थ्री मार्क के दो सम्स टू मार्क का एक सम और एक ऑब्जेक्टिव बरबर तो टोटल इसमें से इतना पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है वो हर एक मेथड वो हम लोग एक बार देख लें जो मेन मेन मेथड्स है ना ऑलमोस्ट वही इसमें पूछे जाते हैं बाकी के तो इस साल आपको रिड्यूस है तो इसलिए उन मेथड के एक एक दो दो सम्स हम लोग देख लें एक एक बार समझ लें तो अगर पोलिनोम चैप्टर देखें ना तो सबसे पहले पोलिनोम के टाइप्स देखेंगे हम लोग बराबर सबसे पहले क्या समझे हम लोग पोलिनोमियल के टाइप्स तो पोलिनोमियल के टाइप्स हम लोग उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उनके हिसाब से पोलिनोमियल के थ्री टाइप्स आते हैं तो सबसे पहले समझे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं तो जब भी कोई पोलिनोमियल लिखा जाता है ना पोलिनोमियल मतलब जिसमें नंबर और अल्फाबेट साथ में हो वो पोलिनोमियल ना कि अगर कोई मैं पोलिनोमियल लिखूं जैसे कि एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स पावर फाइव प्लस सिक्स ऐसे कोई भी नंबर हो रैंडमली मैंने तो लिखा है कोई भी ऐसा नंबर हो तो उसमें डिग्री ऑफ़ पॉलिनोमल मीन्स कहलाता है कि सबसे बड़ा पावर डिग्री मीन्स पावर कि जैसे इसमें फ़ोर पावर है इसमें टू पावर है इसमें फाइव पावर है तो सबसे बड़ा पावर ये हुआ ना फाइव बराबर ना नंबर से अल्फ़ाबेट इसमें नहीं सबसे बड़ा पावर उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमल तो इस डिग्री ऑफ पोलिनोम के हिसाब से पोलिनोम के थ्री टाइप्स आते हैं कि जिनमें सबसे पहला टाइप आता है वो आता है लीनियर लीनियर मतलब वो कहलाता है कि जिसमें सबसे बड़ा पावर से वन हो सबसे बड़ा पावर से वन हो वो लीनियर पोलिनोम जैसे कि ऐसे दिया हुआ हो थ्री एक्स माइनस टू ये एक एग्जाम्पल थ्री एक्स माइनस टू तो इसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर वन ही है ना और तो कोई है ही नहीं इससे बड़ा पावर बरबर ना सिर्फ पावर देखना है नंबर नहीं देखना है ऊपर का पावर ये डिग्री देखनी है तो वो लीनियर पॉलिनोम कहलाता है दूसरा आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम क्वाड्रेटिक पॉलिनोम मीन्स क्या कि जिसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर टू हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम कहलाता है कि जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ हो फोर एक्स स्क्वाइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ऐसे ही रैंडम नंबर्स मैंने लिखे तो इसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर कौन सा है टू है तो इसलिए ये क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा टाइप आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसमें x का सबसे बड़ा पावर थ्री हो जैसे अगर कोई मैं नंबर लिखूं थ्री एक्स पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ऐसे ये नंबर्स लिखे तो इसमें एक्स का सबसे बड़ा पावर अगर देखो तो एक्स का सबसे बड़ा पावर कौन सा है थ्री है तो इसलिए वो क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है बरबर पॉलिनोमियल -बर, के ये थ्री टाइप्स आते हैं इसके बाद इस चैप्टर का अगर एक टॉपिक आता है तो वो पॉइंट आता है कि फाइंड दीरोज ऑफ पॉलिनोम क्या पूछा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो जीरोज मींस क्या कहलाता है वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना तो उसे कहते हैं बराबर वैल्यू ढूंढना तो कभी आपको सम में पूछे जो पूछा ही जाता है आपको जीरो तो ढूंढना मतलब क्या करना एक्स की वैल्यू ढूंढना अब जब लीनियर पोलिनोम हो ना तो लीनियर पोलिनोम के जीरोज सिर्फ एक ही आता है लीनियर पोलिनोम में सिर्फ एक जीरो आता है वन जीरो वन जीरो मतलब एक्स की एक ही वैल्यू मिलती है अब जैसे यहाँ पे हो थ्री एक्स माइनस टू तो इसमें एक्स की वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढे ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ कि अगर थ्री एक्स माइनस टू इसमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी हो ना तो इक्वल टू जीरो करके ढूंढेंगे कि माइनस टू उस साइड जाएगा प्लस में कि थ्री एक्स इक्वल टू प्लस टू और थ्री डिवाइड में आएगा एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री तो इसमें एक्स की एक की वैल्यू मिली जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें एक्स की एक की वैल्यू मिलेगी उसका एक ही जीरो मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें एक्स की दो वैल्यू मिलेगी जो हम लोग फाइंड करेंगे उसमें ठीक है उसका सब मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की दो वैल्यू मिलती है क्योंकि सबसे बड़ा पावर टू है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें सबसे बड़ा पावर थ्री है तो एक्स की थ्री वैल्यू मिलेगी बरबर इसमें ध्यान देना जैसा पावर हो उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू मिलती है सबसे बड़ा पावर थ्री है तो एक्स की तीन वैल्यू मिलेगी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स की तीन वैल्यू मिलेगी इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी अगर कभी एक्स पावर फोर हो तो उसका मतलब उसमें एक्स की चार वैल्यू मिलेगी बरबर पर वो आपको आते नहीं है तो ये थियरी वाइज याद रखना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में जैसा पोलिनोमियल हो उतने उसके जीरोज मिलते हैं सही बात है ना अब जीरोज़ फाइंड करने की मेथड आपको उसमें एक में ही पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करो आपका पहला दो मार्क का सम ये पूछा जाता है ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसके जीरोज फाइंड करो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ जैसे कि एक क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स इक्ल टू ज़ीरो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक क्वालोमियल है ना एक्स स्क्र तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है इसके जीरोज एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और एक्स की वैल्यू ढूंढनी हो इसमें क्वाड्रेटिक क्वालोमियल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें एक ही मेथड ऑलमोस्ट यूज़ होती है वो आती है फैक्टराइजेशन मेथड या हम लोग उसे कहते हैं ट्राइंगल मैथड बर ना फैक्टराइजेशन या ट्राइंगल मैथड जिसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई पहले और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पे सिक्स और सिक्स थर्टी सिक्स सिर्फ नंबर का एक्स का नहीं पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई सिक्स या थर्टी सिक्स तो यहां पर लिखेंगे थर्टी सिक्स यहाँ आखिरी में प्लस में है ना प्लस में है ना तो प्लस थर्टी सिक्स लिखेंगे लास्ट टर्म हो तो बराबर लास्ट टर्म प्लस में है तो प्लस माइनस में हो तो माइनस में लिखते हैं। तो अब इस थर्टी सिक्स के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस उसमें प्लस है तो जिसका प्लस ये मिडल टर्म आता हो इसलिए ऐसे ट्राइंगल मेथड कहते हैं जैसे शॉर्ट में कि सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स अब थर्टी सिक्स के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस ये साइन नहीं ये साइन जिसका प्लस ये मिडल टर्म थर्टीन आता हो तो थर्टी सिक्स के थर्टीन में फैक्टर कैसे होंगे ऐसे तो ओरली हो जाते हैं लेकिन अगर ओरली ना हो तो फिर ऐसे सॉल्व करते हैं कि जैसे भाई एक एक की टेबल चेक करते हैं जैसे पहले वन की टेबल में थर्टी सिक्स कब आता है वन थर्टी सिक्स लेकिन वन प्लस थर्टी सिक्स थर्टीन होता है नहीं होता तो टू से चेक करो कि टू की टेबल में थर्टी सिक्स कब आता है तो टू एटीन सा लेकिन एटीन प्लस टू वो भी थर्टीन नहीं होगा तो थ्री से चेक करो थ्री की टेबल में थर्टीन कब आता है ट्वेल्व ज़ा लेकिन ट्वेल्व प्लस थ्री तो वो भी थर्टीन नहीं होता तो फोर से चेक करो फोर की टेबल में थर्टी सिक्स कब आता है फोर नाइन ज़ा तो नाइन प्लस फोर नाइन प्लस फोर थर्टीन होता है तो ये हमारे फैक्टर्स हुए नाइन एंड फोर बरबर ना ये फैक्टर्स कहलाए तो इसका मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि इसमें पहला और आखिरी टर्म सेम ही रखते हैं कि ये सिक्स एक्स स्क्वायर आखिरी में प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सिर्फ जो मिडल टर्म है थर्टीन उस थर्टीन की जगह पर ये लिखते हैं फोर और नाइन बराबर भले पहले फोर लिखो पहले नाइन या पहले नाइन फिर फोर कोई भी चलेगा थर्टीन की जगह पर यह लिखा जाएगा कि फोर एक्स और नाइन एक्स ठीक है ना एक्स है तो एक्स रखेंगे ना थर्टीन की जगह पर फोर एक्स और नाइन एक्स और इसमें साइन कौन सी लगाएंगे ये खास चीज पूरा चैप्टर में सम्स ही यही आते हैं तो इसलिए साइन मिस्टेक तो आपकी होनी ही नहीं चाहिए तो साइन में ध्यान दे दो कि मैं रूल्स ये पहले बताए हुए हैं लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इनमें खाली चेक किया करो हमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है एडिशन करना है कि फिर सब्ट्रैक्शन करना है मीन्स कि जैसे यहाँ पर फोर और नाइन हमने सिलेक्ट किया तो फोर प्लस नाइन करना है फोर माइनस नाइन थर्टीन करना है तो फोर प्लस नाइन करना है ना प्लस नाइन मतलब एडिशन करना है ना तो अगर एडिशन करना हो ना तो रूल याद रखा करो कि बोथ नंबर्स बोथ नंबर्स हैव मिडल टर्म साइन बोथ नंबर्स हैव मिडल टर्म साइन के दोनों में मिडल टर्म की साइन लग जाती है ये दोनों में मिडल टर्म ये है थर्टीन इसकी साइन लगेगी तो यहाँ प्लस है तो दोनों में प्लस लगेगा अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों में माइनस लगता बरबर एडिशन करना हो तो बोथ नंबर है मिडल टर्म साइन और अगर सब्ट्रैक्शन करना होता समझो नाइन माइनस फोर करना होता है इसमें ठीक है ना अगर यहाँ पे होता फाइव और नाइन माइनस फोर फाइव बताना होता तो फिर तो फिर उसमें रूल से याद रखा करो कि लार्जर नंबर लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन लार्जर नंबर हैज मिडल टर्म साइन एंड स्मॉलर नंबर हैज अदर साइन मतलब अगर इनका सब्ट्रेक्शन करना होता ना तो दोनों में बड़ा नंबर भले नाइन यहां लिखो कि यहां लिखो कहीं पर भी बड़ा नंबर नाइन है तो उसमें मिडल टर्म की साइन बाई इसको प्लस और फिर छोटे नंबर को अदर साइन मतलब अपोजिट साइन अगर इसको प्लस तो इसको माइनस बराबर अगर मिडल टर्म में माइनस होता तो इसको माइनस तो इसको प्लस ठीक है यहां साइन में ये रूल से खास ध्यान रखना क्योंकि यहां मिस्टेक हुई तो पूरे सम में मिस्टेक हो जाएगी चैप्टर में इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं है तो इसलिए ये ध्यान रखना तो अब ये जैसे हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर और सिक्स पहला और आखिरी सेम लिखा बीच में इनके फैक्टर्स कर दिए अब क्या करेंगे अब दो दो में से कॉमन निकालेंगे दो दो में से कॉमन कि जैसे पहले सिक्स और फोर में से कॉमन निकालो दोनों टू की टेबल में आते हैं टू और ये एक्स कॉमन टू एक्स तो सिक्स में से टू कॉमन होगा तो बचेगा थ्री थ्री और एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन तो एक्स बचेगा थ्री एक्स प्लस फोर एक्स में से टू एक्स कॉमन तो फोर में से टू कॉमन तो टू बचेगा एक्स तो बाहर आ गया कॉमन थ्री एक्स प्लस टू और प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाले तो एक्स कॉमन नहीं है नाइन और सिक्स दोनों थ्री की टेबल में आते हैं तो थ्री कॉमन होगा दोनों में तो नाइन में से थ्री कॉमन निकालेंगे तो थ्री बचेगा थ्री एक्स और सिक्स में से थ्री कॉमन निकालेंगे तो टू बचेगा ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए आपके तो ही आपका सम करेक्ट है अब ये थ्री एक्स प्लस टू दोनों में सेम आ गया तो उसे पहले लिखेंगे थ्री एक्स प्लस टू और ये दोनों जो अलग अलग हैं जो बाहर कॉमन निकाले उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखें टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो बराबर अब दोनों को जीरो के साथ लिखें मीन्स थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो इस ब्रैकेट को भी ज़ीरो के साथ और टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पर प्लस टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कि थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू और थ्री डिवाइड में एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री और यहाँ पर प्लस थ्री वहां जाएगा तो माइनस थ्री टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और टू डिवाइड में एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू बराबर तो ये हमें एक्स की दोनों वैल्यू मिली ना जैसे मैंने बताया क्वाटेटिक हो तो एक्स की दो वैल्यू मिलती है तो वो मिली ना एक्स की दो वैल्यू समझ में आया आपके चैप्टर की ये पहली मेथड कि जिसमें आपको पूछा जाता हो कि फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करो मींस कि इस तरह से फाइंड करना है ट्राइंगल मेथड से ठीक है ये मेथड अच्छी तरह से याद रखो तो चैप्टर की दूसरी मेथड देखें हम लोग फिर फिर जैसे चैप्टर में दूसरी मेथड एक आती है कि ऐसा एक सम पूछा जाता है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड को बरबर बर ऐसा एक सम आपको ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से ये एक सम पूछा ही जाता है पेपर में तीन क्वेश्चन होते हैं उन तीन क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन होगा ही होगा कि फाइंड द ज़ीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट कि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे सॉल्व करें वैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व अब इस सम में दो चीज़ें करनी है सबसे पहली चीज़ हमें करनी है फाइंड द ज़ीरोज़ जीरोज़ फाइंड करने हैं जीरोज़ मतलब कि एक्स की वैल्यू जैसे पहले सम में ढूंढा था वैसे ही आपको खाली कितनी बार ऐसे भी पूछते हैं जैसे पहले मैंने सम बताया सिर्फ इतना ही पूछते हैं फाइंड द जीरोज़ तो वो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं आपको यहाँ कभी पूरा पूछा जाता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड को एफिशेंट ये थ्री मार्क्स में तो सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करें जीरोज़ फाइंड करें तो वही ट्राइंगल मैथड कि पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर में कुछ भी नहीं है one. तो one वन तो वन को आखिरी ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व वन सा ट्वेल्व और ट्वेल्व का फैक्टर हमें सेवन में करना है यहाँ प्लस है ना मतलब अगर मैं रफ में लिखूँ तो प्लस ट्वेल्व हमें मिला ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनका प्लस सेवन आता हो तो ट्वेल्व अगर टेबल से चेक करो वन की टेबल में ट्वेल्व आता है लेकिन ट्वेल्व प्लस वन नहीं होगा टू सिक्स ज होता है लेकिन सिक्स प्लस टू नहीं होगा तो थ्री फोर जा होता है फोर प्लस थ्री होगा तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहला नंबर वही एक्स भी वही ट्वेल्व बीच में सेवन की जगह पर लिखेंगे थ्री और फोर भले आगे पीछे कहीं पर भी लिखो के थ्री एक्स एंड फोर एक्स और साइन कौन सी तो मैंने पहले रूल लिखवाया ना अभी इसका अगर हमें प्लस करना है एडिशन करना है तो दोनों में मिडल टर्म की साइन मिडल टर्म में माइनस है तो दोनों में माइनस की साइन अब कॉमन निकालेंगे दो दो में से कॉमन पहले दो में से कॉमन निकालें तो एक्स कॉमन है तो अंदर कितना बचेगा एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री ये बचेगा इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इन दोनों में से फोर कॉमन है बरबर दोनों फोर की टेबल में आते हैं तो इसमें से फोर कॉमन निकालो एक्स और बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी प्लस का माइनस हो जाएगा और ट्वेल्व में से फोर कॉमन निकालें तो थ्री इक्वल टू जीरो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना एक्स और थ्री ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ पर ये एक्स माइनस थ्री ये पहले एक लिखेंगे और जो कॉमन निकाला उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखे एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो अब दोनों को जीरो के साथ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू भी जीरो और x माइनस फोर इक्वल टू बी ज़ीरो तो, तो माइनस थ्री उस साइड जाएगा यहाँ x इक्वल टू तो प्लस थ्री मिलेगा और माइनस फोर उस साइड जाएगा यहाँ x इक्वल टू तो प्लस फोर मिलेगा ये x की वैल्यू हमें मिल गई जो फाइंड द जीरोज़ तो वो जीरोज़ फाइंड कर लिया ना और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड को एफिशेंट जीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यू और कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मतलब एक्स के साथ वाले नंबर्स कहलाते हैं इनके बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है तो ये वेरीफाई करना हो ना तो इसमें दो चीजें ढूंढते हैं वेरीफाई करने के लिए वो दो चीजें ये आती है कि पहला एक सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस ढूंढते हैं और दूसरा ढूंढते हैं उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी इसमें वेरिफिकेशन का ये पूछे तो ये दो चीजें ही ढूंढते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो सम ऑफ जीरो की फार्मूला आती है उसकी फार्मूला आती है माइनस बी अपॉन ए क्या आती है माइनस बी अपॉन ए तो बी और ए वो क्या तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन में पहला कोएफिशिएंट एफिशेंट एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर हो उसे ए कहेंगे दूसरा एक्स के साथ जो नंबर हो उसे बी कहेंगे और जो आखिरी में अकेला नंबर हो उसे सी कहेंगे ये ए बी सी तो यहाँ पर जो लिखना होता है माइनस बी अपॉन ए तो ये माइनस माइनस वो फॉर्मूला का है और बी की वैल्यू तो इसमें ए बी बी की वैल्यू कितनी हुई सेवन आगे माइनस है माइनस सेवन हुई बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस सेवन तो माइनस और b की वैल्यू भी माइनस सेवन अपॉन ए तो a की वैल्यू कितनी होगी वन एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ भी नहीं है वन तो a की वैल्यू वन कहलाई उसमें बरबर -बर, तो जहां पर इनका अगर सॉल्यूशन करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सेवन अपॉन वन तो सेवन अपॉन वन सेवन सम ऑफ जीरोस कितना सेवन उसे एक क्रॉस चेक करते हैं कि सम ऑफ जीरोस मतलब कि एक्स की वैल्यू का प्लस तो एक्स की वैल्यू ये दोनों मिली क्या इन दोनों का प्लस सेवन आता है आता है ना थ्री प्लस फोर करो तो थ्री प्लस फोर सेवन होता है ना तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि ये जीरोस और को का रिलेशन और दूसरा वेरीफाई होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब उसमें लिखते हैं सी अपॉन ए क्या लिखते हैं सी अपॉन ए तो जिसका मतलब सी तो यहाँ ए बी सी सी की वैल्यू कौन सी हुई ट्वेल्व तो सी की वैल्यू ट्वेल्व अपॉन ए तो ए की वैल्यू आगे कौन सी हुई वन एक्स नहीं लिखते खाली नंबर सिर्फ को एफिशियंट वो वन तो ट्वेल्व डिवाइड बाई वन कितना हो जाएगा ट्वेल्व और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करो क्या थ्री मल्टीप्लाई फोर वो ट्वेल्व होता है तो हाँ होता है बरबर तो ये वेरीफाई हो गया ठीक है ना तो जब भी आपको वेरिफिकेशन पूछे ना कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट तो वेरीफाई के लिए ये दो चीजें ढूंढते हैं ये उसकी फार्मूला के साथ कि सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर ये मेथड भी याद रहेगी पहले एक सम किया अभी एक सम किया फिर चैप्टर के दूसरी एक मेथड समझे कि उसमें क्या पूछा जाता है बराबर जैसे दूसरी इस चैप्टर में मेथड पूछी जाती है वो ऐसे एक सम आते हैं कि वेरीफाई 1 2 एंड 3 अपॉन 2 आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्स अब यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है ये क्यूबिक पॉलिनोमल है और क्यूबिक पॉलिनोमल के तीन जीरोज़ होते हैं ना तीन जीरोज मतलब तीन एक्स की वैल्यू दी गई है होती है वो तीनों दी गई है यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है क्या ये तीनों एक्स की करेक्ट वैल्यू है क्या ये तीनों एक्स की करेक्ट वैल्यू है वो वेरीफाई करना है और अगर करेक्ट वैल्यू है Then verify the relationship between zeros and coefficient. तो so, zeros और coefficient के बीच का relationship भी बताना है जैसे पहले हमने quadratic polynomial में relationship बताया वैसे ही cubic polynomial में भी relationship बताना है लेकिन पहले पहले verify करना है ये एक सम भी आपको थ्री marks में पूछा ही जाता है अब यहाँ पर अगर verify करना है ना कि ये तीनों x की correct value है या नहीं तो वो कैसे verify करेंगे उसकी दो मेथड्स आती है लेकिन मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको एक्स की वैल्यू दी गई है वो एक एक करके यहाँ एक्स की जगह पर रखो अगर एक्स का आंसर फाइनल आंसर जीरो आ रहा है मतलब वो एक्स की करेक्ट वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्स ये दिया हुआ है यहाँ पर x की जगह पर पहले वन रख के चेक करें कि यहाँ पर x की जगह पर वन रखें p1 वन मतलब कि टू x की जगह पर वन का क्यूब माइनस नाइन वन स्क्वायर प्लस थर्टीन वन और माइनस सिक्स मीन्स यहाँ पर टू पहले हमेशा पावर क्लियर करते हैं कोई भी सम हो पहले पावर क्लियर करेंगे वन का क्यूब वन ही रहेगा माइनस नाइन वन का स्क्वायर वन ही रहेगा माइनस थर्टीन प्लस थर्टीन ये वन ही है इसके ऊपर कोई पावर नहीं और माइनस सिक्स तो यहाँ पे टू वन टू माइनस नाइन प्लस वन जा थर्टीन और माइनस सिक्स और इन सब का अगर प्लस माइनस करें तो यहाँ पर प्लस वाले ये दोनों थर्टीन और टू फिफ्टीन माइनस वाले ये दोनों नाइन और सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन तो जीरो वन रखने से आंसर जीरो आया मतलब yes, correct, ये करेक्ट ये वन एक्स की वैल्यू है इट इज करेक्ट है ऐसे ही अब दूसरा भी वेरीफाई करें क्या टू एक्स की वैल्यू है तो अब यहीं पर ही पी वन रखा अब पी टू रख के देखें मतलब एक्स की जगह पर अब टू रखें टू एक्स क्यूब मतलब टू का क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स की जगह पर 2 और माइनस सिक्स तो पहले हमेशा पावर क्लियर करते हैं टू टू का क्यूब होता है, एट माइनस नाइन टू का स्क्वायर 13, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है वो टू माइनस सिक्स तो यहाँ पर टू एट सिक्सटीन नाइन फोर सा थर्टी सिक्स थर्टीन टू सावेंटी सिक्स माइनस सिक्स और यहां पर भी अगर इनका प्लस माइनस करें तो सिक्सटीन और ट्वेंटी सिक्स वो फोर्टी टू थर्टी और सिक्स भी 42, 42 माइनस ज़ीरो इसमें भी आंसर ज़ीरो आया मतलब करेक्ट टू भी एक्स की वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू है अब थ्री अपॉन टू रखें अब हम लोग रखें कि पी थ्री अपॉन टू मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पे थ्री अपॉन टू रखें कि जैसे यहाँ पर टू एक्स क्यूब तो थ्री अपॉन टू का क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर तो माइनस नाइन एक्स पे थ्री अपॉन टू का स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स तो प्लस थर्टीन एक्स पे थ्री अपॉन टू और माइनस सिक्स इसमें भी पहले पावर क्लियर करते हैं तो टू यहाँ पर अगर क्यूब करें तो थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जी नाइन नाइन थ्री जी ट्वेंटी सेवन और टू का क्यूब एट माइनस नाइन यहाँ पर थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर फोर प्लस थर्टीन इसके ऊपर कोई पावर नहीं है वो थ्री अपॉन टू और माइनस सिक्स बरबर अब यहाँ पे अब ब्रैकेट क्लियर करें तो ये टू से कट हो रहा है टू फोर ज़ा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर माइनस यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ कट नहीं हो रहा है नाइन नाइन कट नहीं वहाँ मल्टीप्लाई होगा नाइन नाइन ज़ा एटी वन अपॉन फोर प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई थर्टीन थ्री ज़ा थर्टीन नाइन अपॉन टू और माइनस सिक्स उसके नीचे कुछ नहीं तो वन तो अब क्या किया जाएगा अब यहाँ एल किया जाएगा फोर टू और वन का एल सी ही रहेगा तो इसको फोर बनाने के लिए वन से मल्टीप्लाई इसको भी वन से इसको टू से मल्टीप्लाई टू टू ज़ा फोर और इसको फोर से मल्टीप्लाई तो अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो वन से मल्टीप्लाई करें ऊपर ट्वेंटी सेवन ही रहेगा माइनस वन से मल्टीप्लाई करें वो एटी वन ही रहेगा प्लस थर्टी नाइन से इसको मल्टीप्लाई करें तो थर्टी नाइन टू जा वो हो जाएगा सेवेंटी एट और माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर अपॉन में मे एल सी एम फोर ये इसमें हो गया अब ऊपर का प्लस माइनस करें तो अब अगर ऊपर का प्लस माइनस करें तो ये दोनों प्लस वाले हैं ट्वेंटी सेवन और सेवेंटी एट तो वन हंड्रेड फाइव और ये माइनस वाले 81 और 24 ये भी 105 तो इसका मतलब ऊपर 105 हंड्रेड फाइव माइनस वन हंड्रेड फाइव जीरो जीरो अपॉन फोर आंसर जीरो इसमें भी आंसर ज़ीरो आया मतलब करेक्ट कि ये भी इस एक्स की वैल्यू है तो हमें पहले वेरीफाई करना था पहला स्टेप क्या ये तीनों एक्स की वैल्यू है तो हाँ करेक्ट है ये तीनों एक्स की वैल्यू है अब उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट तो जीरोज और की रिलेशनशिप अगर हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है ना तो एक यहाँ पर नोट याद रखो कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोम जो इससे पहले वाला हमने सम किया था तो उसमें रिलेशनशिप के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोज ढूंढते सम ऑफ जीरोज जिसे सिंबल वाइज कहते है, beta, हैं अल्फा प्लस बीटा वो ढूंढते जिसकी फार्मूला पहले लिखी थी माइनस बी अपॉन ए और दूसरा ढूंढते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा क्या फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे सिंबल वाइज कहते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जिसे लिखते हैं सी अपॉन ए पहले वाले सब में हमने ऐसे ढूंढा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये दोनों हमने ढूंढा था वैल्यू रख के अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसमें अगर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना जैसे कि ये सम है तो उसमें तीन चीजें ढूंढते हैं क्वाड्रेटिक में दो चीजें इसमें तीन चीजें ढूंढते हैं पहला ढूंढते हैं सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो भले उसे लिखते नहीं है लेकिन सम ऑफ जीरो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां पर तीन चीजें बरबर क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें एक्स की तीन वैल्यू मिलती है ना तीन जीरोज होते हैं ना क्वाड्रेटिक में दो ही जीरोज होते हैं तो खाली अल्फा और बीटा लिखते हैं क्यूबिक में तीन जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बर और जिसका आंसर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला वाइज माइनस बी अपॉन ए उसकी फॉर्मूला क्या माइनस बी अपॉन ए और ये ए बी सी डी उसकी वैल्यू भी यहीं से ही मिलेगी ना पहली ए फिर बी फिर सी फिर डी खाली नंबर हाँ और साइन खास ध्यान देना जैसे माइनस बी तो बी की जगह पर वैल्यू क्या है नाइन है माइनस नाइन है माइनस नाइन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ये माइनस फॉर्मूला का और बी की वैल्यू भी माइनस नाइन माइनस नाइन और अपॉन ए ए की जगह पर ये टू ए की जगह पर टू लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस नाइन अपॉन टू जीरोस आपको क्रॉस चेक करना तो कर सकते हो कि इन तीनों का प्लस करो एलसीएम करके तीनों का प्लस करो आंसर नाइन अपॉन टू आएगा दूसरा रिलेशन इसमें वेरीफाई करने के लिए दूसरी चीज़ ढूंढते हैं वो आता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसमें लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दूसरी चीज़ ये ढूंढते हैं जो इसमें नहीं आती और इसकी फार्मूला आती है सी अपॉन ए क्या लिखते हैं उसमें सी अपॉन ए तो यहाँ पर सी सी की वैल्यू क्या आई थर्टीन थर्टीन और अपॉन ए ए की वैल्यू टू थर्टीन अपॉन टू तो सी अपॉन ए उसका आंसर क्या मिलेगा थर्टीन अपॉन टू बरबर दूसरा ये हुआ इसका मतलब ये कहलाता है कि अल्फा और बीटा समझो ये पहला नंबर अल्फा दूसरा नंबर बीटा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर बीटा और अल्फा का बीटा और गामा इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर गामा और अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर सबका प्लस करो तो आंसर ये मिलेगा बराबर और तीसरी चीज़ उसमें ढूंढते हैं वो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा गामा और जिसकी फार्मूला आती है माइनस डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए तो डी की वैल्यू क्या ये माइनस सिक्स तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये फार्मूला का माइनस वैल्यू का भी माइनस सिक्स अपॉन ए तो ए की वैल्यू टू माइनस सिक्स अपॉन टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स अपॉन टू और सिक्स अपॉन टू का आंसर थ्री बराबर तो ये चीज़ ध्यान रखो खास ध्यान रखना कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसमें आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कहे तो आपको ये तीन चीजें ढूंढनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इससे पहले वाला सम देखा उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कहे तो ये चीजें ढूंढनी है बराबर है खास ध्यान रखना जो भी ये मैंने मेथड बताई उसमें खास ध्यान रखना तो अब इसके बाद एक मेथड देखे हम लोग फिर जैसे इसमें दूसरी मेथड आती है ये लास्ट मेथड कि जिसमें ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक सम ऑफ ऑफ एंड प्रोडक्ट आर दिस अभी जो पहले हमने दो मेथड देखी उसमें क्या देखा था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल दिया हुआ होता है उसके ऊपर से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब वो रिलेशनशिप वेरीफाई करते थे अब ये उल्टा

तो उसका रूल आता है एक्स स्क् माइनस आल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये सिंपल सा फॉर्मूला समझो या रूल समझो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना हो तो ये रूल के हिसाब से लिखते हैं एक्स स्क् माइनस आल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस आल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा मीन से कहलाता है ये सम ऑफ जीरोज़ मैंने पहले भी बताया ना कि सम ऑफ़ ज़ीरोज़ को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा क्या ये सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू और ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू वो यहाँ लिखते हैं मतलब उसमें सिंपल सा लिख देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस आल्फा प्लस बीटा क्या है थ्री अपॉन फोर अगर यहाँ माइनस होता ना तो ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस थ्री अपॉन फोर हो जाता ठीक है थीके? पर यहाँ माइनस नहीं है तो ये थ्री अपॉन फोर ही यहाँ पर लिखेंगे कि थ्री अपॉन फोर एक्स और प्लस प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो हो जाता है फाइ अपॉन फोर वो दिया हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइ अपॉन फोर इक्वल टू जीरो तो ये आंसर हो गया अगर अपॉन में कुछ नंबर बच रहा है ना तो उसका एलसीएम कर देते हैं जिससे ये नंबर हट जाए इसका एलसीएम कर देंगे जैसे इसके नीचे कुछ भी नहीं तो वन तो एलसीएम इसका फोर हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई और इनको वन से मल्टीप्लाई तो इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर इसको वन से करेंगे तो वही रहेगा थ्री एक्स और इसको वन से करेंगे तो वो प्लस फाइव क्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो है तो अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है ये हमारा आंसर जो क्वाड्रेटिक फाइंड करना था वो मिल गया ना आपको आगे के दोनों क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया हुआ था ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके ऊपर से हम जीरोज ढूंढते थे और उसके बाद सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढते थे इसमें उल्टा था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ था उसके ऊपर से ये पोलिनोमियल हमने फाइंड किया सही बात है ना समझ में आ रही है ना बात है तो ये सिंपल है यहां कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं कोई भी सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे नंबर चेंज हो सकते हैं कभी ऐसा पूछते हैं कि फाइंड क्वाड्रेटिक आर दिस जीरो पर जीरोज दिए हुए हैं एक्स की वैल्यू है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है तो यहाँ पे एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा होगा कि इस क्वेश्चन में पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढ लेंगे और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इसी रूल के हिसाब से ढूंढेंगे बरबर ना जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें पहले क्लियर कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा सम ऑफ जीरोस मींस कहते हैं अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ जीरोस मतलब कि इन दोनों का सम इन दोनों का प्लस तो अगर इन दोनों का प्लस हम लोग कर लें तो सेवन प्लस रूट और प्लस सेवन माइनस रूट फाइव इन दोनों के बीच में ये प्लस ना दोनों का प्लस तो इनका प्लस करने के लिए देखो ये प्लस रूट फाइव और माइनस रूट फाइव कट हो जाएगा सेवन और सेवन आ जाएगा फोर्टीन सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा सिर्फ फोर्टीन बरबर और साथ में ढूंढ लें प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें ढूंढ लें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कहते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसका मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स के सेवन प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई सेवन माइनस रूट फाइव और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो देखो एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाता है दोनों का स्क्वायर वो फॉर्मूला आती है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी तो आंसर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उसी तरह से यहाँ दोनों का स्क्वायर हो जाएगा एक हो जाएगा सेवन का स्क्वायर और माइनस दूसरा हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी नाइन और रूट फाइव का स्क्वायर होगा ओनली फाइव रूट हट जाएगा तो फोर्टी नाइन माइनस फाइव वो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मिल गया और अब जो हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया ना अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल ढूंढ लें इस रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन में कैसा था आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑलरेडी दिया हुआ था तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल ढूंढ लिया यहाँ पर ये दोनों नहीं दिए हुए थे यहाँ पे सिर्फ जीरोज है मतलब ये दोनों अल्फा और बीटा है तो पहले ये फाइंड कर लिया अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढे तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये फॉर्मूला आती है उसकी कि एक्स स्क्वेर माइनस प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू ज़ीरो और जहाँ पे जहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे हम लोग के एक्स स्क्वेर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला फोर्टीन तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्टीन एक्स और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना मिला हमें फोर्टी फोर तो यहाँ पर लिख देंगे फोर्टी फोर इक्वल टू ज़ीरो बरबर तो ये मिल गया हमें इसमें कोई एलसीएम भी नहीं करना है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल मिल गया ठीक है ना तो जब ऐसे जीरोज या सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिए हुए हो तो उसके ऊपर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल कैसे ढूंढना है वो पता चला ना तो इस चैप्टर में ये चार ही मेथड है जो मैंने आपको पहले से बताई कि पहले खाली जीरोज फाइंड करना फिर ज़ीरोज फाइंड करके उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमल दोनों में और चौथा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना इस चैप्टर में इतनी मेथड है तो ये जैसे मैंने चारों सम बताए इनके आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रैक्टिस करो कि इनका सॉल्यूशन करो आप लोग कि एग्जाम में इसी में से ही पूछा जाएगा इसके अलावा की मेथड नहीं और आज जैसे हमने इस चैप्टर का रिवीजन देखा वैसे ही अब फिर दूसरे चैप्टर का रिवीजन हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे ओके थैंक यू